ग्वालियर चंबल संभाग के दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में अवैध माइनिंग को लेकर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि इस मामले की जांच होगी, जरूरत पड़ी तो मैं सीएम से बात करूंगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंधिया ने कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा बुलंद था और बुलंद रहेगा। जिन लोगों ने ठेका लिया है उनकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, जल्द से जल्द तहकीकात होगी क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना, इसमें दो पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है, पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो अग्रीमेंट के तहत सरकार के साथ, उसके पहल में कभी कभी अवैध भी हो जाता है, उस पर भी सख्त